नमस्कार। आज बात करते हैं डिप्रेशन के। डिप्रेशन एक महामारी की तरह आधुनिक समाज में फैल रहा है। लोगों को मालूम ही नहीं होता कि मुझे डिप्रेशन है। जब इसका काफ़ी लक्षण बढ़ जाते हैं तब उनको ये मालूम होता है कि मुझे बीमारी है, डिप्रेशन की बीमारी है, मुझे किसी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। पहले तो लोग किसी से संपर्क भी नहीं करते और बोलते भी नहीं थे, लज्जावश या कुछ ऐसे, लेकिन उनके मन में ये होता था कुछ तो है हमारे दिमाग में। आज उसी पर चर्चा करें, क्योंकि डिप्रेशन से बहुत सारी शारीरिक बीमारियाँ भी होती हैं, इसलिए इस पर चर्चा करना जरूरी मैं समझता हूँ। डिप्रेशन एक मानसिक बीमारी है और इसमें रोगी जो है बहुत परेशान हो जाता है। जिसको डिप्रेशन होता है उसके बहुत सारी शारीरिक बीमारियाँ भी उसके अंदर हो जाती है। डिप्रेशन आज देखो कोई भी आपसे मिलता है लेकिन उसका चेहरा देखो, अधिकतर लोगों के चेहरे पर हवाई उड़ी रहती है, तनाव होता है। कुछ लोग हंसते हैं लेकिन कुछ लोग बनावटी हंसी हंसते हैं। खुल करके जो हंसना चाहिए, चेहरा जैसा खिला होना चाहिए, वैसे बहुत कम लोगों को मिलता है। लोग इतना परेशान है कि बोली मत। समस्या इतनी तक आ जाती है कि आत्महत्याएं बढ़ रही है। पेपर आप उठा कर देखो तो आपको आश्चर्य होगा। अगर आप सेंसिटिव आदमी में हैं तो आपको आश्चर्य होगा कि इतनी आत्महत्याएं क्यों हो रही। लड़के थोड़ा सा कम मार्क मिला आत्महत्या कर लेते हैं, मनपसंद लड़की से शादी नहीं हुई आत्महत्या कर लेते हैं, लड़कियां भी आत्महत्या कर रही। छोटे छोटे बच्चे अब तो छोटी उम्र में भी ये फैलने लगा डिप्रेशन, खासकर स्टूडेंटों में तो बहुत दबाव है। कोटा का हाल आप जानते ही हैं। परीक्षा जब होती है उसका रिजल्ट आता है तो आप पेपर पढ़ते होंगे, कितनी आत्महत्याएं। दुख की बात है, इस बात को सोच करके एक सेंसिटिव आदमी काफ़ी दुखी हो सकता है। आखिर ऐसा ये दुनिया में क्यों हो रहा है? आज से ज़्यादा नहीं है, करीब 70-80 साल पहले हम आपको ले चलते हैं, जब इतनी सुविधाएं नहीं थी। लोग जो है अधिकतर गांव में रहते थे, बहुत कम सुविधाएं थी। एक सेट कपड़ा पूरे साल चल जाता था। लोग परिश्रम करते थे, शारीरिक श्रम करते थे, और रात में खाना खाने के बाद एक बहुत गहरी नींद में सो जाते थे। सोने के बाद सुबह शरीर फिर श्रम करने के लिए तैयार हो जाती थी। और लोग समूह में बैठते थे, गांव की चर्चा करते थे, एक साथ गांव के काफ़ी लोग साथ में बैठते थे, हंसी मजाक होता था। और वही तो कभी कभी शादियां भी तय हो जाती थी, बच्चों को कहाँ किसकी शादी करना है कहाँ नहीं करना है वही सब हो जाता। आजकल हर आदमी अकेला हो गया है, इतना अकेला हो गया है तो बोले नहीं। यहाँ तक पत्नी भी में तनाव है तो एक दूसरे से बात नहीं करते, फोन में व्यस्त रहते हैं। जिसके हाथ में देखो स्मार्टफोन है, फोन में ही व्यस्त रहते हैं। आपस में बातचीत बहुत कम हो रही है, इससे कम हो रहा है। जैसे जैसे हम प्रगति करते गए उसी से हमारे विचार भी बदलते गए। ये विचारों की कहानी है दोस्तों, विचार ही हमारे दुश्मन है। और जैसे जैसे हमारी प्रगति हुई, भौतिक प्रगति हुई, हमें सुविधाएं मिली, हर प्रकार की सुविधाएं मिली, लेकिन हमारा विचार जो है इतना दुश्मन है हमारा कि हमें शांति से रहने नहीं देता। समस्या विचारों की है। होम्योपैथी के मानती है कि मानव का जो मस्तिष्क है उसमें बीमारी की धरती मिट्टी तैयार होती है। पहले मानव के मस्तिष्क में बीमारियों के फसल उगने के लिए मिट्टी तैयार होती है। आपको आश्चर्य होगा, वहाँ विचार परिवर्तन होने लगते हैं, नाना प्रकार की बीमारियाँ वहाँ से उगती है, उसकी फसल उगती है।
होम्योपैथी का विस्तार है, विचार है सॉरी, तो इस तरह होता है। अब डिप्रेशन के कुछ लक्षण जैसे होते हैं, आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर उसे गुस्सा आने लगता है और कभी कभी पेट पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, डाइजेशन सिस्टम पर इसका प्रभाव पड़ता है। कभी कभी तो ये होता है कि पेट में मड़ोता है, दर्द होता है, सरदर्द होता है और कभी कभी मिचली आने लगती है, घबराहट होती है, हार्ट की रेट बढ़ जाती है, धड़कन बढ़ जाती है और यहाँ तक होता है कभी कभी खून की नसें टाइट हो जाती हैं, इससे हार्ट पर प्रभाव पड़ता है। जब हार्ट पर प्रभाव पड़ता है तो कभी कभी हार्ट अटैक भी हो जाता है, ऐसी स्थिति है। अगर ये डिप्रेशन में कोई है तो एकांत में रहना चाहेगा, उसको मतलब किसी दोस्त यार से हंसी मजाक बिल्कुल पसंद है, उसे एकदम एकांत में, एकांत चाहिए, एकांत में रहता है। और इसकी अंतिम स्टेज तो ऐसी हो जाती है कि पूछिए मत, और अपने पर कंट्रोल जो होता है वो ख़त्म हो जाता है और बिना सोचे समझे कोई भी कदम रोगी उठा सकता है, यहाँ तक आत्महत्या कर लेता है। आप सोचो एक जरा, दो मिनट आप सोचो, ये हमारी जो प्रकृति है, अरबों बस अपने में परिवर्तन किया, अपने अंदर परिवर्तन करके अरबों वर्ष बाद ऐसा वातावरण क्रिएट किया कि आदमी उसमें रह सके, आदमी की उत्पत्ति हुई। एक सेल से जो पानी में एक जीव तैयार हुआ उससे मतलब प्रकट करते अरबों वर्षों में एक बहुमूल्य रत्न प्रकृति ने प्रकट किया जो मनुष्य के रूप में है। जैसे हीरा होता है खान का, सैकड़ों वर्ष हजारों वर्ष बाद वो हीरा तैयार होता है, नीचे जमीन में पकता है, वो कोयला का भाई भी कहा जाता है, कार्बन है। तो उसी प्रकार ये मनुष्य को प्रकृति ने तैयार किया और इतने मतलब जटिल प्रक्रियाओं से मतलब गुजरते हुए आदमी को तैयार किया। वो आदमी अपने को दो मिनट में ख़त्म करने पर तैयार हो जाता है, ये विचारों का खेल। हम एटम बम बना लिए, सब कुछ कर लिए, लेकिन अपने विचारों से हम नहीं लड़ सके, विचार हमारे दुश्मन हो गए। आज जो विचारों का खेल है, इतनी दुश्मनी, इतनी ईर्ष्या, इतनी देख रहे हो समाज में, देश में, एक देश से दूसरे देश में आप देखो, और इतना पहले नहीं था। लोग श्रम करते थे और उनकी मतलब अपेक्षाएँ भी कम थी और आवश्यकताएँ भी कम थी, लेकिन खुशी थी, दिल में खुशी थी। इस पर एक कहानी मुझे याद आती है, वो कहानी से आप अच्छी तरह समझ सकते हो ताकि मामला क्या है। एक कहानी मैं बचपन में सुना था, काल्पनिक हो सकती है लेकिन यहाँ सटीक बैठती है। पुराने जमाने में लोग कहते हैं एक राजा थे, उनके यहाँ वैभव, राजमहल, रानियाँ, दासियाँ, नौकर चाकर सब थे। राजा दुखी रहते थे, कभी उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं आई। लोग पूछते थे आप इतना उदास क्यों रहते हो, तो राजा बोले कि पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मेरा मन बहुत दुखी रहता है। दोस्तों अंत में उन्होंने कहा कि अपने सिपाहियों से कहा जो राज्य में अच्छे वैद्य हों, डॉक्टर हों, उस समय डॉक्टर तो नहीं होते थे, अच्छे वैद्य हैं उनको बुलाओ। सब आए, कोई ना कोई नुस्खा सब अपना अपना बताया कि ये कर लो, वो कर लो, एक जड़ का रस पी लो, वो कर लो, सब करके थक गए, राजा ठीक नहीं हुए। अंत में एक बूढ़ा वैद्य आया और राजा से कहा, राजन आप ठीक हो सकते हो, ये बीमारी से आपको छुटकारा मिल सकता है, लेकिन एक काम आपको करना पड़ेगा। तो बोलो, राजा बोले कि मैं हर काम कर सकता हूँ, हमारे पास साधन है, आप बोलो तो क्या करें। तो वैद्य ने कहा कि अपने राज्य में एक ऐसे व्यक्ति को आप खोजो जो एकदम सुखी हो,
और उसकी कमीज अगर आप पहन लोगे तो आपकी बीमारी छूट जाएगी। तो राजा कहे कि इसमें कौन सी बात है, कौन सी बात इसमें है, ये तो बड़ा आसान काम है, हम कर लूँगा। तो अपने सिपाहियों को वो जो है राज्य में भेजे। अब लोग जुट गए कि मतलब सुखी आदमी कौन है। सारे सिपाही पूरे राज्य में ढूंढते गए, लेकिन उनको एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो पूर्ण रूप से संतुष्ट और सुखी। वो फिर निराश होकर के राजा के पास जा रहे थे तो उनके देखा सड़क के किनारे एक किसान जो है नंगे बदन, जो उसके बदन पर कपड़े नहीं थे, नीचे वो धोती कुछ पहना हुआ था, हंसता क्या था वो एकदम मतलब मस्त गीत गा रहा था और अपने बैलों के साथ हल चला रहा था। सिपाही सोचे कि इससे अच्छा सुखी इंसान तो मैंने देखा नहीं पूरे राज्य में, इसकी ही कमीज ले लेते हैं। वो उसके पास गए, कहे कि राजा का ऐसी आज्ञा है, आप अपनी कमीज दे दीजिए। किसान बोला भाई मैं क्यों न दूंगा, लेकिन मेरे पास कमीज हो तब न, राजा की आज्ञा है तो कमीज तो मैं दे ही सकता था, लेकिन मेरे पास कोई कमीज नहीं है। सिपाही गए राजा से बोले कि राजन मैंने सारे राज्य को छान डाला, लेकिन एक सुखी आदमी मुझे दिखाई दिया, लेकिन अफसोस है उसके पास कमीज नहीं थी। राजा उसको बुलवाए, उससे बात किए। राजा तब से धीरे धीरे ठीक होने लगे, अंत में ठीक हो गए। कहानी यही कहती है जो इस पर सटीक बैठता है। दोस्तों, हमारे पास जितना है उसमें आप संतोष करो, मेहनत करो, कर्तव्य करो, डिप्रेशन में मत जाओ, बच्चों को भी समझाओ, उनको फुल सपोर्ट दो, सारी सुविधाएं उनको दो पढ़ने लिखने का, लेकिन उनको ऐसा मत प्रेस करो कि तुमको ये बनना है, डॉक्टर बनना है, फलाना बनना है, IPS बनना है, IAS बनना है, उनका लड़का जैसे हो गया, उनका लड़का जैसे हो गया। हर लड़का अपने में एक यूनिक है, अद्वैत है, उसके समान विश्व में कुछ नहीं है। एक भी आदमी उसके समान विश्व में आप ढूंढ कर लाइए, वो बहू जो उसी लड़के की तरह होगा आपको नहीं मिलेगा। इतना बहुमूल्य जीवन है, छोटी छोटी बातों पर उसको बर्बाद मत करो, आत्महत्या मत करो, यही मेरा कहना है। मैं अगली वीडियो में होम्योपैथी की कुछ दवाइयाँ डिप्रेशन की आपसे शेयर करता हूँ। तब तक आप मुझे अवकाश दीजिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही जानकारी के साथ। आपको बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपका ये वीडियो हमें आपको पसंद हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। नमस्कार। Okay.